हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जियो लिटरेसी। जियो लिटरेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट इसको हमारे करिकुलम में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। जियो लिटरेसी हमारे ज्योग्राफी पेडागॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको डिस्कस किए बिना हमारा ज्योग्राफी पेडागॉजी जो है वो इनकम्प्लीट है। हम मोस्टली कंसर्न रहते हैं कि किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए तैयार करेंगे, बट इसी कोशिश में हम क्या करते हैं, उन्हें वंचित रखते हैं इस कंसेप्ट से, जिसको समझना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम जियो लिटरेसी का कंसेप्ट, उसके नीड्स और अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे। पर सेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर कि आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस पसंद आने पे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ जियो लिटरेसी में। इसमें हम जानेंगे कि जियो लिटरेसी आखिर क्या है, व्हाट इज़ जियो लिटरेसी। जियो लिटरेसी का जो टर्म है वो एक्चुअली नेशनल ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने, बिल्कुल सही, नेशनल ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो आप देखते हो, ठीक है ना, ये उन्हीं का ही ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने इस वर्ड को अडॉप्ट किया था। उन्होंने इस वर्ड को इसीलिए अडॉप्ट किया था ताकि वो डिस्क्राइब करे और समझाने की कोशिश करे किस तरह से हमारी जो दुनिया है, वर्ल्ड है, फंक्शन करती है, जो इस दुनिया के हर एक मेंबर को समझने की बहुत ही ज़रूरत है। जियो लिटरेसी इज़ अ टर्म विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द वेज इन विच एन इंडिविजुअल यूजेज हिज और हर एबिलिटी ऑफ ज्योग्राफिक रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर मेकिंग डिसीजंस। जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी एबिलिटी को यूज़ करता है, जैसे कि ज्योग्राफिक अंडरस्टैंडिंग हो और ज्योग्राफिक रीजनिंग को कोई भी टाइप के डिसीजंस लेने के लिए, तो उस टर्म को हम जियो लिटरेसी मानेंगे। मतलब ये एक तरह का प्रिपरेशन या फिर तैयारी आप कह सकते हो, जहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो आज की सदी में, मतलब 21st सेंचुरी में जीने के लिए हर किसी को डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे उनको ज्योग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशंस को यूज़ करके अपने लाइफ के डिसीजंस लेते, उस चीज़ को जियो लिटरेसी कहेंगे। ठीक है, इट इज़ अबाउट हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करने के लिए। जब उन्हें कोई डिसीजंस लेना होता है, समझना होता है, या फिर कोई जानकारी या रीडिंग करना होता है अपने दुनिया के बारे में, है ना, तो उस चीज़ में ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जियो लिटरेसी सिर्फ ज्योग्राफी का नॉलेज ही नहीं बल्कि उसका एक पार्ट है। हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी क्या है इसके बारे में हमारे प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, उसके एम्स के बारे में भी हमारे प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था। अगर आपसे हमारा प्रीवियस सेशन मिस हो गया है तो आप आई टैब पे जो लिंक आ रहा है उसमें क्लिक करके हमारे प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हो। बार बार हम डिसीजंस की बात कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि किस टाइप के डिसीजंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, डिसीजंस रिगार्डिंग कहाँ रहना है, वेयर टू लिव, और क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जो नेचुरल हजार्ड से हमें बचाए। ठीक है, आप कहीं कोई किसी भी प्लेस में रहते हो तो वहाँ पर किसी भी टाइप का आपको डिजास्टर हो या नेचुरल हजार्ड हो फेस करना पड़ता है, चाहे वो नेचुरल हो या समटाइम्स मैन मेड भी हो, तो आप किस तरह से अपनी लाइफ को वहाँ पर सेफ बनाओगे, या जिस जगह को आप चूज़ कर रहे हो वो आपके लिए सेफ होगा, उसको डिसीजंस लेने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, वो सब आपको जियो लिटरेसी की मदद से आप उसको इजीली देख सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फैसले करते हैं जिसके लिए हमें जियो लिटरेसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ जियो लिटरेसी के बारे में। जियो लिटरेसी का जो आइडिया है वो ज्योग्राफिकल नॉलेज है, जो बियॉन्ड ज्योग्राफिकल जो नॉलेज है उसके बियॉन्ड जाता है। इसमें हम सीखते हैं कि किस तरह से लोग इंटरैक्ट करते हैं अपनी एनवायरनमेंट के साथ में, अलग अलग जगह से थ्रू आउट द वर्ल्ड। जियो लिटरेसी जो है ना, वो एक्चुअली फोकस करता है ये बताने के लिए कि कौन सी चीज़ किससे जुड़ी है। इट इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन। इसीलिए नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ये कहती है कि इसमें तीन कॉम्पोनेंट्स हैं जो पॉपुलरली थ्री आईज ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाने जाते हैं। तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है हमारा इंटरैक्शन, अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन्स एंड एनवायरमेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। किस तरह से हम ह्यूमन और एनवायरमेंट एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। इसमें हम दुनिया को, वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम कौन से टर्म्स को यूज़ करते हैं, एक सोशल सिस्टम को यूज़ करते हैं और दूसरा एनवायरमेंटल सिस्टम को यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, वो हमें इनकरेज करता है कि हम अपने जो दुनिया है, वर्ल्ड है, उसको एक न्यू तरीके से देखें, उसके सिस्टम्स को अच्छी तरीके से जाने और समझे। ठीक है, सेकेंड कॉम्पोनेंट है इंटरकनेक्शंस। इसमें इट इज़ अबाउट हाउ वन प्लेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड टू द अनदर प्लेस। ये हमें सिखाता है कि ज्योग्राफिक रीजनिंग का यूज़ करके देखें किस तरह से एक जगह जो है वो दूसरी जगह से जुड़ता है, कनेक्टेड है। अब जो जगह एक जगह से दूसरी जगह में जुड़ता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बेसिक रीजंस होगा, कुछ नीड्स होगी जिसकी वजह से आपको दूसरी जगह के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, इंटरैक्ट करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ये वाला कॉम्पोनेंट इसीलिए इंक्लूड किया गया है। फाइनल कॉम्पोनेंट है हमारा इम्प्लीकेशन। इसमें क्या होता है,
इट इज़ अबाउट एबल टू सिस्टमैटिकली रीजन एंड अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड टू मेक गुड डिसीजंस। पहले हमने क्या सीखा कि अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करना है वो देखा हमने। फिर हमने इंटरकनेक्ट कैसे करे और क्यों करे, जो ज्योग्राफिक रीजन है उसका क्या वजह है उसे हमने समझा। अब इसमें हम देखेंगे कि इम्प्लाई कैसे करेंगे। इम्प्लीकेशंस जो है ना वो हमारे डिसीजंस को इंस्पायर करता है और सिखाता है कि कैसे हम सिस्टमैटिकली वजह ढूंढ सकते हैं कि और समझ सकते हैं कितना बेहतर फैसला हम कर सके, मतलब जो भी हमारे डिसीजन है वो कितना बेटर। हमारी इस मॉडर्न ग्लोबली इंटरकनेक्टेड सोसाइटी में लोगों को पहले से ज़्यादा अब ये समझने की बहुत ही ज़रूरत है कि वो अपनी दुनिया को अच्छी तरह से समझे, तभी वो अपने वर्ल्ड के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बदलाव ला सकते हैं और नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, जैसे कि हाई यील्ड क्रॉप्स, लो इम्पैक्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर एग्जांपल नेशनल डिफेंस हो गया। अगर हमें पहले से पता होगा कि हमारी कंट्री को किसी भी टाइप का खतरा है तो कंट्री को हम अलर्ट रहेंगे दूसरी कंट्री से, सो दैट वॉर जैसी कोई सिचुएशन जो है उसका सामना हमें ना करना पड़े। एक और एग्जांपल्स लेते हैं हम इसके लिए, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में भी अगर हमें अर्ली वार्निंग मिलेगी, लाइक कोई कहाँ पर फ्लड आने वाला है, कहाँ पर भारी बारिश होने वाली है या ज़्यादा स्नोफॉल होने वाला है, लैंडस्केप होने की कोई चांसेस है या अर्थक्वेक की कोई चांसेस है, ये सारे चांसेस के बारे में पहले से गवर्नमेंट को पता होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी कंट्री के सिटीजन की सेफ्टी के लिए अलग अलग मेजर्स ले सकेंगे। और अपने स्टूडेंट्स को भी हम बच्चों को सिखा सकते, उन्हें भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो उनकी जो सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग है, ज्योग्राफिक रीजनिंग स्किल है और उनका जो सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसे भी हम डेवलप कर सकते हैं, उन्हें हम इन सारे तरीकों से तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही क्रूशियल है आज की हमारी सोसाइटी के लिए। इसी वजह से इस कंसेप्ट के बारे में सबको इन्फॉर्म करना, जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वेज ऑफ क्रिएटिंग जियो लिटरेसी, किस तरह से जियो लिटरेसी के बारे में हम जागरूकता जो है वो स्प्रेड करेंगे, कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफी एजुकेशन। ये जागरूकता तो बढ़ रही है कि जो ज्योग्राफिक नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स है, चाहे वो लोकल से लेकर ग्लोबल लेवल तक हो, सब जानते ही है, पर अभी तक लोगों को ये रियलाइज़ नहीं हुआ है कि इन प्रॉब्लम्स का सामना, इश्यूज़ को हम ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से बेहतर समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्योग्राफिक कम्युनिटी जो है उन्हें इस मौके का क्या करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ उठा के लोगों को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ज्योग्राफी एक्चुअल में है क्या और क्यों वो इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से वो सोसाइटी के इश्यूज़ को सॉल्व कर सकती है, मदद कर सकती है उनके प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए। तो एक बहुत ही बेटर वे रहेगा जिसके थ्रू हम जियो लिटरेसी को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में जागरूकता स्प्रेड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा सराउंडिंग जियो इनेबलमेंट। ज्योग्राफर्स जो होते हैं उन्हें एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए उन डिस्कशंस में जहां पब्लिक को वो सचेत कर सकती है, वॉर्न कर सकती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकेशन, प्राइवेसी और क्राउड सोर्सिंग के बारे में उन्हें ये डेमोन्स्ट्रेट करके भी बता सकती है कि किस तरह से ज्योग्राफी एजुकेशन जो है वो उनको हेल्प करेगा, उनके स्किल्स को डेवलप कर सकता है। ज्योग्राफर्स को क्या करना चाहिए, जो जियो इनेबलमेंट का जो डेटाज है उनको हैंडल करके, इंटरप्रेट करके अपने ऑडियंस को या फिर जो भी पब्लिक है उनको अच्छी तरह से समझाना चाहिए, तभी उनको इनके सब बारे में इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। थर्ड है एंगेज द सिटीज़न साइंस कम्युनिटी। किस तरह से सिटीज़न साइंस कम्युनिटी के लोगों को हम एंगेज करेंगे ज्योग्राफी के साथ में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफर्स यूज़ कर सकते हैं एनर्जी, एक्सपर्टाइज और सिटीजन्स का साइंस, कौन से सिटीजन्स की हम बात कर रहे हैं, जो साइंस कम्युनिटी के, उनके साइज़ का भी हम यूज़ कर सकते हैं उनके समझाने के लिए कि क्यों फिनोमिना और ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है जब उसे मैप यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जीआईएस मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को मैनेज करने में मदद करता है। ये डेटा जो है वो साइंस कम्युनिटी के सिटीजन्स के थ्रू जनरेटेड होता है, तो जीआईएस की मदद से हम ईजिली सारे डेटाज को हैंडल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट वे है हमारा मैप एज़ रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। मैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल माना गया है जियो लिटरेसी के अवेयरनेस को क्रिएट करने में। मैप्स को हम सोसाइटी के बहुत सारे जो ब्रॉड सेक्टर्स है उनको स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एपिडेमोलॉजिस्ट है वो इसका यूज़ करते हैं डिजीज़ कौन से एरिया में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है वो पता लगाने के लिए, लाइक कोरोना वायरस जैसे कि लेटेस्ट वायरस में अभी है तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो ये एपिडेमोलॉजिस्ट जो है ये सारे डेटास का यूज़ करके पता लगाती है कि कौन से एरिया में ज़्यादा ये डिजीज़ जो है, वायरस जो है वो फैल रहा है या स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लाइक क्लाइमेटोलॉजिस्ट है वो भी पता लगा सकती है, वो अलग अलग प्लेसेस के क्लाइमेट चेंज को स्टडी करता है जियो लिटरेसी के मदद से। और सिर्फ ये तो हो गया ज्योग्राफर्स,
ठीक है ना, अलग अलग ब्रांचेस, ठीक है। आप सोचोगे कि मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा तो मेरे लिए किस तरह से काम आएगा, तो बिजनेसमैन भी इसका यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसकी मदद से अपनी फ्रेंचाइजीज हो या ब्रांचेज हो अलग अलग प्लेसेस में एरियाज ढूंढ के अपना जो है वो ओपन कर सकती है। लाइक मैकडोनल्ड्स, KFC, ये सब फॉरेन ब्रांड्स है, वो उन्होंने यहाँ पर अपने इंडिया में कैसे उन्होंने मार्केट ओपन किया है, उनको डेफिनेटली उनको लोकेशंस के बारे में पता चला होगा, सिटीजन्स के बारे में पता चला होगा, उनकी नीड्स के बारे में पता चला होगा। तो ये सब कैसे पता लगाया उन्होंने, ऑब्वियसली ज्योग्राफी की मदद से, मैप की मदद से। इसीलिए उनके लिए भी ये एक ईजी वे हो गया जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते, सिर्फ अपनी कंट्री अपने स्टेट में नहीं, दूसरी कंट्री दूसरे स्टेट या किसी भी सिटी या किसी भी टाउन में। तो मैप एक बहुत ही इसेंशियल टूल है ऐसे इश्यूज़ को स्टडी करने के लिए और रियल प्रॉब्लम्स जो है वर्ल्ड के उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस ऑफ करियर स्किल्स। जियो टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता फैलाने, मतलब स्प्रेड करने का एक और तरीका है, वो है जियो टेक्नोलॉजीज, ठीक है। GIS और वेब मैपिंग टेक्नोलॉजीज हमारे स्किल्स को बिल्डअप करता है और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और भी ऐसे दूसरे स्किल्स को डेवलप करता है। इसमें क्या होता है, जिसके जिसकी ज़रूरत जो है ना, वो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती है। तो इस तरह से जो हमारा करियर स्किल भी है वो भी डेवलप हो जाता है और हम लोग अपना ये न्यू डेवलप करियर स्किल के साथ में हमारा एक नया ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन हो। तो हर जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। फाइनल वे है हमारा प्रमोट सिविक एंगेजमेंट। जियो लिटरेसी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का सबसे बेस्ट वे है सिविक एंगेजमेंट को प्रमोट करना। ज्योग्राफर्स, सिटीजन साइंस, फील्ड वर्क और जियो टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके सिविक एंगेजमेंट के कल्चर को कल्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वॉलंटियर्स के एफर्ट्स ज़्यादा विजिबल होते हैं और लोकल भी, इंक्लूडिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। लिटरेसी एक एक्साइटिंग आइडिया है जो कि बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स को सिखाया जाए। इस टाइप के एजुकेशन से स्टूडेंट्स को हम इंस्पायर कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं कि वो अलग अलग कल्चर्स के बारे में एनालाइज कर सके, लोगों के बारे में जान सके, उनके सिस्टम्स के बारे में जान सके। इसीलिए हम अब डिस्कस करेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जियो लिटरेसी। इसका फर्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट्स शुड बेटर अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ करेंट इवेंट्स। जो करेंट इवेंट्स है चाहे वो ग्लोबली हो या नेशनल हो, बच्चों को समझाना बहुत ही ज़रूरी है। उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे कल्चर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी कंट्री में, इसके बारे में उनको जानकारी पहुंचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो इसका इम्पैक्ट बच्चों को समझना चाहिए कि किस तरह से कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिटेराइट हो सकता है, ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ स्टूडेंट्स एंड एडल्ट शुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंटल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। अब ये जो इंपॉर्टेंस है ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये एडल्ट्स के लिए भी है। मतलब आप अगर स्टूडेंट भी नहीं हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों स्टूडेंट हो या एडल्ट हो, दोनों को एनवायरमेंटल और कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसीलिए हमें जियो लिटरेसी की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट है हमारा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इंटरैक्ट एंड गेट इन्वॉल्व विद अदर्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। अभी इस कंसेप्ट को हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ल्ड उनके अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग कल्चर्स, ट्रेडिशंस जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जियो लिटरेसी जो है वो एक स्टूडेंट को एनेबल करता है कि वो दूसरे कल्चर के लोगों के साथ में इन्वॉल्व हो सके और इंटरेक्ट कर सके, मिलजुल कर, चाहे वो कोई भी काम करना हो या पढ़ाई करना हो वो उसे अच्छी तरह से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसका उसके सिटीजन्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो जियो लिटरेसी में हम बहुत सारे पॉइंट्स या मैटर्स को डिस्कस करते हैं जिसकी मदद से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी आर्थिक विकास जो मतलब उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बारे में क्या अच्छा है, मतलब क्या प्रोज है और क्या बुरा है, कॉन्स के बारे में डिस्कस करने के कैपेबल हो जाते हैं, लायक बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेटर्स हैव ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस ऑफ ज्योग्राफिकल इशूज़। जियो लिटरेसी का बेनिफिट सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि एजुकेटर्स को भी मिलता है। जितना ज़रूरी स्टूडेंट्स के लिए है जियो लिटरेसी, उतना ही इंपॉर्टेंट टीचर्स या एजुकेटर्स के लिए भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एक एजुकेटर, जिससे वो अपनी ज्योग्राफिकल इशूज़ को एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ये तो थे कुछ नीड और इम्पॉर्टेंस जियो लिटरेसी के बारे में। जियो लिटरेसी मतलब ज्योग्राफी के बारे में जब कोई भी इंडिविजुअल अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेता है उस व्यक्ति को हम जियो लिटरेट के नाम से जानते हैं, मतलब
उस पर्सन को जियो लिटरेट के नाम से जानते हैं। जैसे कि जो कविता लिखता है उसे पोएट बोलते हैं, जो स्टोरीज लिखता है उसे ऑथर बोलते हैं। सिमिलरली अगर किसी को ज्योग्राफी के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, जियो लिटरेसी की अच्छी नॉलेज होती है, उसे हम जियो लिटरेट कहते हैं। तो जो जियो लिटरेट इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, उसे डायनेमिक फिजिकल और कल्चरल फोर्सेस जो है उसका इंटरेक्शन किस तरह से होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। एक जियो लिटरेट पर्सन को जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ की भी अच्छी समझ होती है। वो लोकल हो, नेशनल हो, या वर्ल्ड से जुड़े कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में सेंसिबल डिसीजंस ले सकता है। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो ही हो या फिर वो शी हो, जो पर्सन, उसे इस दुनिया के स्पेशल चीज़ों के बारे में भी अच्छी खबर होती है। और एक जियो लिटरेट पर्सन इस काबिल है कि वो सारे पैटर्न्स, डिस्ट्रीब्यूशंस और फिजिकल और ह्यूमन इंटरेक्शंस को भी अच्छी तरह से समझ सके। तो यहीं पर आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप आप सबको जियो लिटरेसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर टैप करना, सो दैट आपको आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस।